डेफिनेटली हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में अवेयर होना चाहिए और हमें माइंड प्रोग्रामिंग को लर्न करना चाहिए कि ये माइंड प्रोग्राम जी होता कैसे है। और सबसे बड़ी जी बात, बच्चों को जो लोग हैंडल कर रहे हैं यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जी कोई पूछे तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनके लिए तो ये ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर किसी को इंजीनियर बनना हो तो उसे क्या करना पड़ता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती। जी लेकिन जब किसी को पेरेंट बनना होता है तो क्या वो पेरेंटिंग की पढ़ाई करते हैं? नहीं नहीं करते। तो पेरेंटिंग की हम पढ़ाई नहीं करते, और सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंटिंग की, उस जिम्मेदारी को हम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वैसा ही है कि जैसा मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की लेकिन मैं ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। तो सेम यही जी चीज लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा इस चीज में लगे हुए हैं कि मुझे बच्चे को एजुकेट करना है। सबसे पहले उन्हें खुद को एजुकेट करने की जरूरत है कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से हैंडल कर सके। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से अपनी लैंग्वेज को यूज करना है, उन्हें क्या बातें बोलनी है जी क्या बातें नहीं बोलनी। और इस